दोस्तों रात का 1 बजने वाला है और बच्चा आ चुका है। ये बड़ा भाई है दोस्तों, ठीक है, और ये दूध का इसको पेडिग्री से उत्तर इसको दूध से ज़्यादा मतलब है दोस्तों, ठीक है। उठा देते हैं 1:30 बजे 2 बजे जब इनकी मर्ज़ी है भैया, ये तो बहुत से हम तो लेबर हैं, ठीक है। ये देखो अभी पेडिग्री का ये बिल्कुल ना के बराबर इसका शौक ज़्यादा उतना नहीं है शौक, ठीक है, लेकिन लेकिन अभी दिख रहा है ये है दूध का दीवाना, इसको करते हैं साइड, ठीक है दोस्तों। अब है इसका कमाल, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ इसका कमाल। ओके अभी इसका कमाल दिखाता हूँ, ठीक है, नहीं वैसे इसको पता है कि पापा जो है दूध देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस इसको खुश हो गए, देखो इसके देखो चेहरे की खुशी, देखो ये चेहरे रोने, देखो बच्चे की, ठीक है, खुशी देखो ये है सब इसकी, बस हो गया इसकी बल्ले बल्ले हो गई दोस्तों। अब अभी छोटा बड़ा भाई आया नहीं दोस्तों, ठीक है, पहली बार वो आउट हुआ है, पता नहीं कहाँ गया हुआ बड़ा भाई, जबकि छोटा जैसे ही रहता, लेकिन आज पहली बार उल्टा हुआ कि बड़ा भाई यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और छोटा भाई अभी तक पहुँचा नहीं है। मम्मा बीच में आते लेकिन 1 या 2 बजे के बीच में ये लोग ना, ये देखो दोस्तों जैसे प्लांट ना ये, और देखो यहाँ से देखो नए नए बॉल है, देखो नए नए अंदर जो है वो देखो निकलने लग गया है दोस्तों, ठीक है। एलोवेरा का ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, और एलोवेरा ना पानी बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल खाली, इसको बस चखाना है क्योंकि इनकी जो ये पाइप है इसमें बहुत सारा पानी होता है दोस्तों, ठीक है। अभी देखो ये हाइब्रिड कलर पूरा बनने वाला है दोस्तों, ठीक है, ये भी 1 महीने का हो गया है अभी, और बाकी ग्रोबल सही तरीके से हो रहा है, और एग्रो हाइब्रिड वाले एग्रो वाले बहुत साबुन लगे हुए हैं, ठीक है, वो बहुत है। और ये स्पाइडर प्लांट का जो है, ये स्पाइडर प्लांट है, धीरे धीरे ग्रो हो, टाइम लेते हैं दोस्तों पौधे ना, धीरे धीरे भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे की तरफ यार। और ये टाइगर को देखो दोस्तों, एक खाली दूध पीगा पहले, ठीक है, पेडिग्री का इसका वो मतलब नहीं है, लेकिन दूध निपटाएगा उसके बाद जाके ना दोस्तों, उसके बाद जाके ये देख पाएंगे, ठीक है, पहले दूध निपटाएगा उसके बाद जो है फिर पेडिग्री का खाना शुरू करेगा, ऐसे देख लीजिए दो, ठीक है दोस्तों। तो देखो एक एलोवेरा ये भी है, एलोवेरा ये भी रखा हुआ दोस्तों, ठीक है, सही तरीके से अपना खाएगा, पेट भर गया बच्चे का खुश है। वाओ देखो दोस्तों, आओ ये बस चला गया, मैंने कहा नहीं दोस्तों इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो अभी वो अपने छोटे वाले भाई को ढूंढना, छोटा भाई नहीं आया, छोटा भाई आएगा तो उसने अटैक करना है दोस्तों, पता है उसने अटैक करना है पेडिग्री में, इसमें कैट फूड में, इसमें नहीं करेगा वो, ठीक है दोस्तों। और दूसरा सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम लोग कभी भी ना फ्रिज में ठंडा पानी कभी फ्रिज का जो इस्तेमाल हम कभी भी दोस्तों, इस बार आपको फ्रिज एक बार रेगी करवा देता हूँ, ठीक है, कई बार भी आपको पानी की ठंडी बोतलें नहीं मिली, कोई भी चीज़ ना किसी भी साइड में कुछ भी है, पानी की ठंडी बोतलें वगैरह हम कहीं भी नहीं रखते हैं दोस्तों, ठीक है, जो भी है, ठीक है। और हम जो इस्तेमाल करते हैं सिंपल पानी इस्तेमाल करते हैं, यह है दोस्तों घड़े का पानी, ठीक है, हर बार मैं घड़ा नया घड़ा लेता हूँ, छोटा घड़ा लेते हैं और इससे हमारा काम चल जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये तकरीबन इसमें आता होगा 3-5 लीटर या 6 लीटर पानी इसमें आता होगा, ठीक है, ये ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ना फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल करो, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, उसको अवॉइड करो सिंपल पानी पे। मैं भी पहले बहुत चिल्ड पानी पीता था, ठीक है, लेकिन चिल्ड पानी में कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, हमने ग्लेशियर से लिए कहाँ जहाँ मिलाना, मैंने ठंडे पानी इस्तेमाल किया प्रॉपर, लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है, हो सकता है वो बाद में आपको नुकसान करे, ठीक है। ऐसे सिम्टम मेरे में तो कोई ऐसे कुछ नहीं आए, लेकिन मैंने अभी ये जो है 5-6 साल से अंदर ये जो नॉर्मल पानी मैं ये पानी पीता हूँ, मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल भी
हमारे वहाँ इस्तेमाल होता नहीं है, घड़े का पानी इस्तेमाल होता है। और बाद में इसका क्या करेंगे हम, जैसी सर्दी बरसात शुरू हो जाएगी तो इसमें कई जमना शुरू हो जाता है, तो उस समय इसको आउट कर दिया जाता है घड़े को, और सिंपल नॉर्मल पानी जो होता है हमारा ठीक वही पानी पीते हैं, फ्रिज का हम नहीं पीते। इसमें जो है इसका काम क्या करते हैं, इसका हम एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं हर दिन, हर साल घड़े में जो भी घड़ा आता है उस पर हम नया प्लांट एक ग्रो कर लेते हैं। दोस्तों हमारा डबल फ़ायदा हो जाता है, एक पानी काम आ जाता है और पानी इस्तेमाल करने का दूसरा इसका हम इसका ठीक है कोई वो प्लांट ग्रो करने के भी काम आता है। चलो दोस्तों इस बागवानी के साथ साथ बच्चे के साथ साथ हमने उसकी अपडेट भी दे दी, बच्चा जा चुका है दोस्तों ठीक है, अभी छोटा भाई आएगा तो फिर देखेंगे। चलो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।